प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कारक का पेड़ बताऊंगी। मीनू है ये, इसने कारक का पेड़ बनाया है। इसकी दादी और उसका भाई आया है। मीनू, उसका भाई बोल रहा है, तुम ये क्या कर रही हो? देखो दादी, मीनू मेरे लिए एक सुंदर सा पेड़ बना रही है। क्या तुम अब कागज के पेड़ पे भिनभिनाओगे? बस अरे, तुम आपस में ही अनुमान लगाते रहोगे कि मीनू से भी कुछ पूछोगे? दादी, मैं कारक का पेड़ बना रही हूँ, मीनू कह रही है। कारक का पेड़? हाँ दादी, ये क्या होता है? कल विद्यालय में भाषा की अध्यापिका ने हमें कारकों के बारे में बताया था, लेकिन ये कारक क्या होते हैं? तुम संज्ञा और सर्वनाम को जानते हो ना? हाँ मीनू, क्या तुम क्रिया के बारे में भी जानते हो? हाँ, लेकिन कारक से संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया का क्या संबंध है? अरे मेरे छोटे भाई, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया से संबंध पता चलता है, उसे ही तो कारक कहते हैं। मतलब जैसे तारीए पिताजी माँ के लिए साड़ी लाए, इस वाक्य में क्रिया जो है वो लाना है और संज्ञा पिताजी और माँ है। तो संज्ञा को क्रिया से जोड़ने का जो काम किया है वो किसने किया है? के लिए कर रहा है, यही तो कारक है। हाँ मीनू, ठीक कह रही है। हम जब कोई वाक्य बोलते या लिखते हैं तो उसमें ने, को, से, के द्वारा, के लिए, पर, मैं आदि आता है। ये सारे परसर्ग हैं, कारक चिन्ह हैं ये सारे। इनको हम विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। जैसे मैं कुछ बोलती हूँ, तुम समझना, दादी कह रही है ये। राम, सत्य, पाने, रावण, युद्ध किया। क्या दादी, आप क्या बोल रही हैं? उसका भाई बोलता है, ऐसा लगता है इसमें कुछ छूट गया। फिर से बोलना दादी। राम, सत्य, पाने, रावण, युद्ध किया। क्या छूटा? उसका भाई सोच रहा है, वही कारक ही तो छूटा है। चलो फिर बोलती हूं। राम, सत्य, पाने, रावण, युद्ध किया। मैं कहना चाहती थी, राम ने सत्य को पाने के लिए रावण से युद्ध किया। अब इसमें ने, को, के लिए, से जो है वो कारक हैं। देखो चीनू, दादी ने कारक ने, को, के लिए, से छोड़ दिए थे, जिससे कुछ भी समझ नहीं आया। इसलिए कारक को क्रिया को करने वाला भी कहते हैं। ये तो हम जान गए, मगर तुम ये कारक का पेड़ क्यों बना रही हो? कल हमारी अध्यापिका ने कारक बताए थे। उन्होंने हमें 8 तरह के कारक बताए थे। 8 तरह के कारक? हाँ, लेकिन तुम हमें घुमाओ नहीं। उसका भाई बोल रहा है, ये तो बताओ कि कारक का पेड़ क्यों बना रही हो? अमीनू बताती है, तो मैं पेड़ बनाने के बाद ही बताऊंगी, अभी थोड़ा काम बाकी है, तुम भी मेरी मदद करो। अब देखो, इसमें सारे इसने कारक के भेद लगा दिए हैं। कारक का जो ट्री तैयार किया है इसने, पेड़ तैयार किया, ये लो मेरा पेड़ तैयार हो गया, वो बोल रही है मीनू अपने भाई को और अपनी दादी को। इनमें लटके छल्ले तोड़ो फिर खोलो।
पहले मैं, कर्ता कारक, पहला कारक जो है वो है कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं? कर्ता कारक। राधा ने सितार बजाया, ने चिन्ह जो है कारक चिन्ह है ने। मोहन ने यात्रा की। अब मैं दूसरा है करण कारक, कर्म कारक। अध्यापिका छात्राओं को बुलाती है, इसमें कर्म है, काम हो रहा है, तो इसका जो चिन्ह है वो को है। सरिता ने गाय को घास खिलाई। अब मेरी बारी है, दादी कहती हैं कि अब मैं उठाऊंगी। करण कारक तीसरा है, करण कारक इसका चिन्ह है से, विभक्ति चिन्ह। दादाजी बस से दिल्ली जाएंगे। मैंने पेंसिल से चित्र बनाया। अब मैं देखती हूँ, अब जो कारक है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है के लिए, पेट के लिए उसने झूठ बोला। संप्रदान कारक मेरे लिए, पिताजी मेरे लिए पुस्तक लाए। अब है इसके बाद, हाँ हम जानते हैं अब तेरी बारी है, वो छोटा जो डॉग है कुत्ता है उसकी बारी है, वो देता है। अपादान कारक, अपादान का जो विभक्ति चिन्ह है वो से, पेड़ से फल गिरते हैं, एक चीज दूसरे से अलग होती है इसमें। चाची कुएं से पानी निकालती है, पानी जो है वो कुएं से अलग हो रहा है, जैसे छत से बच्चा गिरता है। अब वो फिर, अब मैं फिर से वो निकालूंगा। अधिकरण कारक में आता है मैं, पर, के ऊपर, के बीच। चिड़िया पेड़ पर बैठी है। में, पर, के ऊपर, के बीच जो है इसके विभक्ति चिन्ह है। गीदड़ वन में रहता है। मेरी बारी है अब, संबंध कारक कह रही है, संबंध कारक है अब जो एक है। संबंध कारक में का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये इसके विभक्ति चिन्ह है। बाकी है दिनेश के पिताजी आ रहे हैं। इसमें संबंध बताया गया है, गौरव का हाथ टूट गया है, एक दूसरे से संबंध है, गौरव का हाथ से संबंध है। अब जो आखिरी कारक है वो है संबोधन कारक। हे, अरे, रे, ओ, अरी, हे भगवान मुझे बचाओ। इसमें जो आश्चर्यजनक चीजें जो होती है, जो एकदम से होती है, वो संबोधन कारक, जो हम दूसरे को बोलते हैं हे, जैसे इसमें एकदम से हे भगवान मुझे बचाओ। बच्चों खूब पढ़ो। वाह मीनू, तुम्हारा पेड़ तो सचमुच लाजवाब है। चलो अब मेरे पीछे पीछे गुनगुनाओ। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग
अधिकरण में पर संबंध का के की रा रे री ना ने नी संबोधन अरे रे ओ अरी हे